काइंड ऑफ डेमो के तौर पे आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और उसमें हमारे एक लेक्चर में देखो आप जज तो नहीं कर पाओगे, बेसिकली ये बात तो है ही है, बट हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना पढ़ाएंगे। आप आज नहीं होगा तो कल भी एक और डेमो देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? राइट, ओके। सो ऐसा है कि अब हम लोग, हमारा जो पहला कंसेप्ट आता है वो ये होता है कि हमें लुईस एसिड, लुईस बेस कंसेप्ट के बारे में आप बताइए। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आप देखना कि कई बच्चों को ये अभी तक आपने बात पढ़ा भी नहीं होगा कौन से लुईस एसिड होता है, कौन से लुईस बेस होते हैं, राइट? तो देखो ट्राई करते हैं। राइट, देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में जो कॉन्फिग्रेशन होती है वो होती है NH2NP1। एक बात आप लोग ध्यान से सुनकर रख लो कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सभी के जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, दे डोंट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, राइट? इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो मैं लिख रहा हूं एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, राइट? और जो हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि अपना एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, दे ऑल हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल, राइट? तो हम कहते हैं यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये बात समझ में आ गई, तो अगली बात करने जाते हैं। NH2NP1 मतलब ग्राउंड स्टेट पर जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? NSNP एंड देन ND। दिस इज NSNP एंड देन ND। ग्राउंड स्टेट पर बोरॉन फैमिली की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH2NP1। S2 का मतलब कि ये दोनों पेयर रहेंगे और ये हो जाएगा अनपेयर। ये एक अनपेयर का मतलब ये होता है कि एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड। बट क्या आपने कभी देखा है कि बोरॉन का कोई भी कंपाउंड एक बॉन्ड बनाता हुआ पाया जाए? जैसे BCl, BF, ऐसे वो नहीं पढ़ा ना आपने? आपने पढ़ा है BCl3, BF3, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां पे पहुंच जाता है। तो हम बोलते हैं इसमें फर्स्ट एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां रहा और अब हमारे पास दो अनपेयर्ड और हो गए, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां गया। तो हमने क्या देखा कि यहां पर तीन बॉन्ड है, तीन मतलब तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो तीन बॉन्ड बनेंगे, राइट? और क्या तीन से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है बोरॉन फैमिली का एलिमेंट? नहीं, क्योंकि उसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एक्साइट करवाने के लिए। तो एक बात तो ये फिक्स हो गई कि सर वो वन बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, क्योंकि आप जानते हो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर काफी सारी चीजें आपकी गर्म होती है और काफी सारी चीजें ठंडी होती हैं। तो अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए एनर्जी भी वेरी करती है। जैसे कि यहीं पर रूम टेम्परेचर में आपके आपके घर के अंदर मान लो जैसे फ्रिज पड़ा हुआ है या मान लो टेबल पड़ा हुआ है, उसको आप हाथ लगाओ, वो आपको रूम टेम्परेचर जितना टेम्परेचर रखेगा, राइट? वही आप पानी में हाथ डालो तो आपको ठंडा लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अलग अलग कंपाउंड के हिसाब से, अलग अलग मटेरियलिस्टिक चीजों के हिसाब से उनकी एनर्जी वेरी करती है। तो हमने क्या देखा, हमने ये सुना कि बोरॉन का कोई भी कंपाउंड एक बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता होगा क्योंकि रूम टेम्परेचर पे पड़ी हुई एनर्जी का यूज करके वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देता होगा और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन कर देता होगा और इसलिए वो तीन बॉन्ड बनाता होगा। सो अगर मान लीजिए बोरॉन जो है तीन बॉन्ड बनाए, जैसे कि BF3, BCl3 या फिर H3BO3। H3BO3 जानते हो, बोरिक एसिड, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, OH का होल थ्राइस बी, इस तरीके से भी लिखा जाता है इसको। तो ऑल आर बेसिकली लुईस एसिड, ऑल आर लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि तीन बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास एक वेकेंट पी रह जाता है। हम बोरॉन के लिए
बात करेंगे सिर्फ पी तक, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए, ये डी वाली बात हम लोग नहीं करेंगे, राइट ओके। तो बोरॉन की हम बात कर रहे थे, बोरॉन ने अपने तीन बॉन्ड बनाने के बाद अपना एक वेकेंट पी रखा, इसको तो भूल जाना हम लोगों ने, तीन बॉन्ड बनाते ही एक वेकेंट पी रखा, तो जो वेकेंट पी ऑर्बिटल रह जाएगा तो ये सारे के सारे लुइस एसिड की तरह बिहेव करने वाले, ये भी लुइस एसिड, ये भी लुइस एसिड, ये भी लुइस एसिड, ये भी लुइस एसिड। अगली बात, अब मान लीजिए जैसे हमारे बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थोरियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अगर मान लीजिए मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, AlCl3, AlOH4 thrice, एल्यूमिनियम का और भी कोई और कंपाउंड Na3AlF6, Na3AlF6, एल्यूमिनियम का कोई भी कंपाउंड, राइट। तो क्या कहोगे आप लोग कि सर एल्यूमिनियम भी अपने तीन बॉन्ड बनाने के बाद, सॉरी एल्यूमिनियम भी अपने तीन बॉन्ड बनाने के बाद एक वेकेंट पी ऑर्बिटल रखता है, बट आप ये बात समझ जाओगे कि यहां पर हम वेकेंट डी की बात नहीं करते हैं, बट इन सभी के लिए हम लोग वेकेंट डी की बात करेंगे। मतलब ये कि अगर एल्यूमिनियम अपना तीन बॉन्ड बनाएगा तो उसका एक वेकेंट पी भी रहेगा और वेकेंट डी तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सारे के सारे लुइस एसिड की तरफ बिहेव करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो इसमें एक बात ऐड करता हूं कि बोरॉन फैमिली का कोई भी एलिमेंट, उसका कोई भी कंपाउंड हो, उसका कोई भी कंपाउंड हो, जो भी वो कंपाउंड बनाता हो, ऑल आर लुइस एसिड, ऑल आर लुइस एसिड। तो अगर आपसे कोई इंडिविजुअल पूछ ले बोरॉन के लिए पूछेगा, तो बोरॉन के लिए कहना सर एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होने के कारण, राइट। किसी और एलिमेंट के लिए पूछ ले तो आप कह सकते हो कि सर वेकेंट पी तो है ही है और वेकेंट डी भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है, मेरा पूरा लेक्चर समझ में आ रहा है? तो एक बार मुझे यस और नो कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसके, प्लीज। हाँ ना, समझ में आ रहा है बेटा? ईशा ठीक है। देखो अगली बात ये, अब देखो एक है हमारा कार्बन फैमिली, ठीक। कार्बन फैमिली की बात की जाए तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इसके जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होती है? NS2 एंड देन NP2। तो NS, NP और ND हम लोग बनाकर रख लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट पर कॉन्फिगरेशन क्या है? NS2NP2, NS2 एंड देन NP2। तो हमने क्या देखा कि दो अनपेयर्ड हैं, इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बनाने के लिए रेडी हैं? साहब दो बॉन्ड। बट क्या कार्बन का कोई भी कंपाउंड दो बॉन्ड बनाता है? नहीं, कार्बन का कोई भी कंपाउंड दो बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के यहां पर ले आता है अपने रूम टेम्परेचर पे, जो एनर्जी थी उसी का यूज करके, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही तो आपको कार्बन के सारे कंपाउंड मिलते हैं चार बॉन्ड बनाते हुए, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके गया, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन। तो क्या किया होगा उसने? ठीक, चार अनपेयर्ड हो गए। चार अनपेयर्ड का मतलब क्या होगा सर? चार बॉन्ड का बनना। और अगर मैं एग्जांपल लिखूं कार्बन के लिए, जैसे CH4 हो गया, या फिर CCl4 हो गया, या CHCl3 हो गया, एक्सेट्रा, कोई भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड, क्या कार्बन के पास चार बॉन्ड बनाने के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल रहा? हम कहेंगे नहीं, इसके पास वेकेंट डी तो होता ही नहीं है, ये बात हम पढ़ ही चुके हैं।
तो हम बात करते हैं वैलेंट पी की, तो हमने कहा सब सारे के सारे पेयर्ड हैं, और अगर पेयर्ड होंगे तो कार्बन का कोई भी कंपाउंड वैलेंट डी सॉरी कार्बन का कोई भी कंपाउंड लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो हमने बात करी सर क्या ये सारे के सारे लुईस एसिड हैं, उनमें नहीं। बट अगर मान लीजिए सिलिकन कोई अपना कंपाउंड बनाता है, सिलिकन मैं सिलिकन लिखूं या जर्मेनियम टिन लेड कुछ भी लिखूं, बात एक ही है राइट, मतलब ये एक साइड होता है बाकी ये सारे के सारे एक साइड होते हैं। सिलिकन अपना कोई भी कंपाउंड बनाए जैसे कि SiF4 ठीक है, SiCl4 या SiH4, इस तरीके से कोई भी कंपाउंड बनाए, चार बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास ये वैलेंट डी ऑर्बिटल रहता ही रहता है, और अगर वैलेंट डी ऑर्बिटल रहेगा तो ये सारे के सारे कैसा काम करेंगे, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ये भी लुईस एसिड, ये भी लुईस एसिड, ये भी लुईस एसिड। मतलब अगर मैं बोरॉन और कार्बन की फैमिली को कंपेयर करूं तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि बोरॉन फैमिली में बोरॉन और बाकी जितने एलिमेंट थे सबके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल तो ता ही था, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड की तरह हो जाएंगे। एल्यूमिनियम के बाद बाकी सभी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है तो वो भी लुईस एसिड रहेंगे रहेंगे, मतलब बोरॉन फैमिली के कोई भी एलिमेंट का कोई भी कंपाउंड लुईस एसिड होने वाला। बट अगर हम लोग बात करें कार्बन फैमिली में, तो कार्बन का कोई भी कंपाउंड जब वो चार बॉन्ड बनाता है तो लुईस एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि तो सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। अच्छा, सिलिकन के बाद, सिलिकन से सिलिकन के बाद तक कोई भी एलिमेंट हो उसके पास वैलेंट डी ऑर्बिटल होता है तो वो सारे के सारे कंपाउंड कैसे होंगे, लुईस एसिड। मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी कंपाउंड होगा वो लुईस एसिड की तरफ बिहेव करने वाला है, बिना सोचे समझा लो कितना। अच्छा, कार्बन का कोई भी कंपाउंड जो चार बॉन्ड बनाएगा वो लुईस एसिड नहीं होगा, सिंपल। अब कोई चीज याद करने जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ही बात समझ में आ गई। ओके, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो कार्बन के बाद कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो तुरंत, रिपीट करना है। देखो इस लाइव लेक्चर के अंदर मेरे ख्याल से आप लोग पहली बार लाइव क्लास ले रहे होंगे, तो कोई भी डाउट होगा कुछ भी होगा आप तुरंत कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख दोगे, सर प्लीज रिपीट, या फिर इस क्या, इसका क्या मतलब हुआ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ओके, सो अगली बात ये, हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन फैमिली कॉन्फिगरेशन क्या होगी, NH2 एंड देन NP3, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो क्या होगा, अब ग्राउंड स्टेट पे जो इसकी कॉन्फिगरेशन होगी वो कैसे होगी, NS एंड देन NP, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, बाकी तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड। ओके, तो मान लीजिए नाइट्रोजन है। अच्छा, नाइट्रोजन क्या इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सकता है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। ओके, सो नाइट्रोजन के पास अगर वो NH3 बनाएगा तो क्या वो लुईस एसिड कहलाएगा, हम कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि तीन बॉन्ड बनाने के बाद कोई भी वैलेंट ऑर्बिटल उसके पास बचा ही नहीं। और एक और बात बताऊं, अगर नाइट्रोजन अपने ये इस तरीके से रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं दो इलेक्ट्रॉन, ये s के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको आप लोग लोन पेयर कहते हो। क्वेश्चन अगर बेसिक तरीके से पूछ लिया जाए कि अमोनिया में या नाइट्रोजन के किसी भी कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर लगता है वो कहां का होता है, तो हम कहते हैं साहब s का रहता है, राइट। अगली बात, कुछ भी ले लो आप, देखो CH3NH2 ले लो, कुछ भी ले लो इस तरीके से, तो क्या ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, हम कहेंगे साहब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड है। अब बात करता हूं फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ की, इसके अंदर क्या होता है, इसके पास वैलेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक। तो अगर मान लीजिए फास्फोरस है, अपने तीन बॉन्ड बना दे PCl3 जैसे, PCl3 तीन बॉन्ड बनाने के बाद अब पूछा जाए क्या PCl3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है कि नहीं करता है, हम कहेंगे यस, तीन बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास क्या है, वैलेंट डी ऑर्बिटल, राइट। और अगर मान लो, अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट करवा दिया, देखो मैं जो पी के लिए लिख रहा हूं आप समझ जाना आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ के लिए भी वही है,
इलेक्ट्रॉन जब आपने एक्साइट करवाया, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेशन, तो क्या हुआ होगा? एक दो तीन चार और ये पांच, पांच अनपेयर हो गए, मतलब कि पांच बॉन्ड बना दिया। अब पांच बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं, हम कहेंगे यस, देखो एक दो तीन चार ऑर्बिटल उसके वेकेंट है। तो मान लीजिए अगर वो पीसीएल फाइव भी बना दे और पूछे कि साहब क्या वो लुइस एसिड है, हम कहेंगे यस। तो अभी तक हमें ये समझ में आया, बोरॉन फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। दूसरी बात, कार्बन फैमिली में कार्बन को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उसके ग्रुप के, वो सारे के सारे लुइस एसिड होंगे अगर अपना कंपाउंड बनाएंगे। इसी तरीके से नाइट्रोजन फैमिली में भी नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड लुइस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, बाकी उसके जो नीचे के एलिमेंट है वो सारे के सारे लुइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन में, और इसी तरीके से हम लोग हैलोजन के अंदर भी बात करने वाले हैं, राइट? तुम लोग जाग रहे हो भाई? राहुल, ये आईटेल आईटी 520 बेटा, अगर आपके फोन का मॉडल है ये, है ना? अच्छा, कई लोगों ने रेडमी डिड फिट जिप नहीं क्या लिखा हुआ है, XT1033। मुनीर अख्तर, ठीक है भाई, भाई समझ में आ रहा है, एक बार बता दो फिर हम आगे चलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग पढ़ते पढ़ते पैकअप हो गए। अर्णव एक्टिव है, अर्णव तो मेरे को जानते ही, बात तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं। बाकी जनता का क्या सीन है? किसी को कोई मतलब नहीं है, जल्दी बताओ भाई। ईशा, ईशा भी है कि नहीं गई? और स्टूडेंट्स, राहुल, अभय, आकृति, आयुष, ईशा है, मुनीर, ओके, ठीक है, ठीक है राहुल, ठीक है ईशा। अच्छा, बाकी जनता को शायद फोन यूज करना नहीं आता होगा, है ना? चल, उनको पता ही नहीं वो कमेंट कैसे करना है, बट पहले ही तो खूब सारे आए थे यार। ये देखो एचटी वाले का भी आ गया, ये आईटेल लिटिलनेट क्या था वो भी बता दो भाई, ठीक है? देखो ऐसा है कि जब भी हम लोग लाइव क्लास ले रहे होते हैं ना, तो आपका अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। जिस जोश में हम लोग पढ़ाएंगे आपको, उसी जोश में आपको भी पढ़ना है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर दोनों की मजबूरी है, आपको भी इस तरीके से पढ़ना है, हमको भी इस तरीके से पढ़ाना है, और आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, ठीक है? तो ऐसा है कि जैसे जैसे जब जब बोला जाएगा कि हाँ भी बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि यस सर, नो सर, या कोई डाउट है या कुछ भी है, एक चीज और बताता हूँ। शायद आप लोग ऑनलाइन पहली बार क्लास ले रहे हो हमारे से, तो मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे 3-4 बैचेज ऑलरेडी चल रहे होते हैं ड्रॉपर के, ठीक है? ये आपसे पहले काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था। 18 तारीख से हमारा बैच शुरू होने वाला था, 18 मार्च से, ठीक है? लॉकडाउन के बाद सब कुछ बंद हो गया, तो वो सभी बच्चे, वो 500 के करीब बच्चा, पांच बैचेस के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है? तो हर क्लास के अंदर 100-100 बच्चा होता है, और आप सोचो 100-100 बच्चा कमेंट करके बताता है जी समझ में आ रहा है या कोई डाउट है कुछ भी। एक आप वहां से हमसे हमारे से बात कर रहे होते हो, और एक तरफ हमारे पास लैपटॉप और हमारा फोन होता है, ठीक है? आप कुछ भी लिखोगे हमारे पास तुरंत दिख जाएगा कि आपने क्या लिखा क्या नहीं, ठीक है? डेमो का मतलब ये हुआ कि आप भी अटेंटिव है और हम भी अटेंटिव, ठीक भाई? चलो, इतनी बात समझ में आ गई, तो हम लोग जाते हैं हेलो ऑक्सीजन फैमिली के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हुए एडवांस तक ले जाऊंगा सारे क्वेश्चंस को, देखना भैया। ऑक्सीजन फैमिली कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 एंड NP4, यही होता है, ठीक है? ओके, NH2 NP4 में आप जानते हो NS, NP एंड ND, right? तो ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? NH2 एंड NP4, 1, 2, 3 एंड 4, राइट? तो ऑक्सीजन के लिए आप वेकेंट डी वाला तो भूल जाओ, ये है ही नहीं यहाँ पे,
तो अगर आप बात करोगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन अगर अपना कंपाउंड बनाए वाटर, ठीक है, तो आप जो यहाँ पे जो दो लोन पेयर बनाते हो ना, एक लोन पेयर इसका एस का होता है और एक लोन पेयर पी का होता है। आप तो आज तक वाटर के साथ दो लोन पेयर लगाते थे ना, तो मैं बता रहा हूं एक लोन पेयर उसका एस का होता है और एक लोन पेयर पी का होता है, राइट। तो बचा हुआ जो दो अनपेयर्ड है वही दो बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, वाटर के पास मतलब ऑक्सीजन के पास वेकेंट ही नहीं होता है, तो क्या दो बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन? हम कहेंगे नहीं। अगली बात ये कि सर क्या अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाकर दो से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है? हम कहेंगे नहीं, राइट। अगली बात ये, क्या ये लुईस एसिड की तरफ बिहेव करेगा? हम कहेंगे नहीं। दो बॉन्ड बनाने के बाद कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड जैसे मान लो एल्कोहल हो गया, तो क्या ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा? हम कहेंगे नहीं, कोई भी इसमें लुईस एसिड नहीं होगा। बट अगर अपन लोग बात करें इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने की, अभी किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो फर्स्ट एक्साइटेशन में क्या होगा? देखो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, चार बॉन्ड बन जाएंगे। तो ऑक्सीजन तो चार बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि उसका वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। बट अगर मान लीजिए सल्फर बनाए SF4 HCl4 इस तरीके से, तो क्या जब सल्फर चार बॉन्ड बनाएगा तो क्या वो लुईस एसिड की तरफ बिहेव करेगा? हम कहेंगे यस, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। तो क्या ये लुईस एसिड की तरफ बिहेव करेंगे? हम कहेंगे यस। अच्छा, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया फिर आगे चला जाए, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर आगे जाएगा तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे? सर सेकेंड एक्साइटेशन हो गया, देखो कितने अनपेड हो गए, 1 2 3 4 5 6 इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा 6, ठीक है। तो ये साहब 6 बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड बनाने के बाद 6 बॉन्ड कौन बना सकते हैं? ये बना सकते हैं सल्फर सिक्रियम टेलीरियम पोलोनियम अगर बनाते, राइट। तो क्या सल्फर का जैसे H2SO4 है, सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। इवन आप मान लीजिए सल्फर अपना कोई और SF6 ले लो, SF6 डायरेक्टली घर के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या ये लुईस एसिड हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ, क्योंकि अभी भी इसके पास क्या बचा हुआ, वेकेंट डी ऑर्बिटल। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। तो फिर स्टार्टिंग से बताता हूँ, बोरॉन फैमिली के सारे एलिमेंट लुईस एसिड की तरफ बिहेव करेंगे। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी उनके नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लुईस एसिड की तरफ बिहेव करते हैं अपना कोई भी कंपाउंड बनाने, राइट। अब लास्ट रह गया हमारा हेलोजन, ठीक। अब देखो हेलोजन को देखो, हेलोजन फैमिली में जो कॉन्फिगरेशन है वो क्या है, NH2NP5 क्लोरीन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन ग्राउंड स्टेट NH2 NS NP and then ND NS2 and then NP5, ये हुआ। एक अनपेयर बच गया। अब एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, राइट। फ्लोरीन जो है, अगर मान लीजिए HF है, फ्लोरीन ने अपने एक बॉन्ड बनाया HF, ठीक है, फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, तो क्या ये फ्लोरीन लुईस एसिड की तरफ बिहेव करेगा जब वो वन बॉन्ड बनाएगा? हम कहेंगे नो, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं, एक ही बॉन्ड बना सकता है वो, और एक बॉन्ड बनाने के बाद कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो क्या ये लुईस एसिड की तरफ बिहेव करेगा? हम कहेंगे नहीं।
बट व्हाट यू सेड अबाउट क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन बना दे HCl, ये बना दे HBr और ये बना दे HI। क्लोरीन ए बॉन्ड बनाएगा वेकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा, ब्रोमीन बनाएगा वेकेंट डी ऑर्बिटल, आयोडीन बनाएगा वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये सारे के सारे लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, मतलब ये भी लुईस एसिड, ये भी लुईस एसिड और ये भी लुईस एसिड। ओके, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो क्या होगा, देखो कितने बॉन्ड बनाएगा, एक दो तीन, तो लोग क्लोरीन बना सकता है, इसका देखो बना नहीं सकता। जैसे मान लो CLF3 बना दिया तो क्या लुईस एसिड बिहेव करेगा, यस वेकेंट डी ऑर्बिटल बचा हुआ है। मान लो एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा दिया, सो व्हाट यू सेड, क्या कहेंगे आप, एक दो तीन चार पांच, पांच बॉन्ड बनाने के बाद भी लुईस एसिड बिहेव करेगा, यस बिल्कुल बिल्कुल लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये भी वेकेंट डी ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइट करवा दी अगर आपने, कितने अनपेड, इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छ सत्ता, तो सात बॉन्ड बना दो CLF7 या ये मानो देखो IF7 तो आपने पढ़ा हुआ है ना, IF7 आयोडीन सात बॉन्ड बनाने के बाद भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, व्हाट इज द मेन रीजन, ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो हेलो अपना जो नोबल गैसेस होते हैं उनके लिए तो हम कोई बात करेंगे नहीं, तो वो वेकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं उनके पास, क्योंकि वो सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेस में कोई भी कंपाउंड वैसे तो बनाते नहीं है, बट उनमें लुईस एसिड का कोई भी कंसेप्ट नहीं लगता। कहानी खत्म हो गई। तो हमने क्या पढ़ा कि साहब बोरॉन फैमिली के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे कंपाउंड लुईस एसिड होते हैं। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, लुईस एसिड। क्या आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई है, तब हम जिंदगी में इनर्ट पेरिफेरल के बारे में सीखते हैं। जल्दी बताओ फिर हम आगे चलते हैं भाई, जल्दी। जल्दी बताओ भाई, जल्दी शाबाश। राहुल अर्णव रेडमी का नेट ही स्लो हो गया, और ठीक है जी, ओके ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट बहुत ही कामली आपने सुना, जैसे अभी तक आप सुन रहे थे, ठीक है, इनर्ट पेरिफेरल के बारे में। देखो इनर्ट पेरिफेरल सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाली ये है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो उन एलिमेंट्स या उन कंपाउंड्स पे लगता है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है। अच्छा मैं ये योयो नहीं कर रहा हूं, मेरे यहाँ चौक फंसा हुआ, ठीक है ना, एकदम जो मैं आपके साथ योयो कर रहे हैं बस। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट उन्हीं एलिमेंट्स या उन्हीं कैटायन या उन्हीं कंपाउंड पे लगता है जिनके सेंट्रल मेटल एटम पे प्लस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, पी ब्लॉक के अंदर। तो देखो क्या होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को जज करने के लिए हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आती हो उनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट को नहीं डिस्कस करते, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगली बात,
एक मेन पॉइंट ये रहा। दूसरा मेन पॉइंट ये है, आपने ये बचपन से ही पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से नर्सरी से ही पढ़ लिया होगा, कि नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इन पार्टिसिपेशन ऑफ बॉन्डिंग, है ना, मैं बॉन्डिंग लिख देता हूं, इज कॉल्ड, यू नो, इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। एस इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन ना करने के कंसेप्ट को ही हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। अब ये एस इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करता है, इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास बोरॉन फैमिली है, बहुत अच्छे से देखो बोरॉन फैमिली है, कॉन्फिगरेशन क्या है, NH2 and then NP1। कार्बन फैमिली है अपने पास, कॉन्फिगरेशन क्या है इसकी, NH2 and then NP2। नाइट्रोजन फैमिली है तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, NH2 and then NP3। NH2 NP3, बहुत ध्यान से देखना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थोरियम, मैं इसके बारे में बताता हूं तो आपको उनके बारे में भी क्लियर हो जाएगा। बोरॉन का जो कॉन्फिगरेशन होता है क्या होता है, हीलियम, राइट, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड देन ज़ीरोन, 2s2 2p1, 3s2 3p1, थर्ड ग्रेड का एलिमेंट है, 4s2 4p1, 5s2 5s2 4s2 आ गया, तो यहां पर 3d 3d10 एंड देन 4p1, यहां क्या रहेगा, 5s2 4d10 एंड देन 5p1। थेलियम में क्या जाएगा, 6s2, राइट, 6s2 एंड देन 5d10 5d10, 4f14 एंड देन 6p1। ये मैंने आपको पूरी कॉन्फिगरेशन बताई है, अब इससे हमें जज करना है। ठीक है, देखो इस तरीके से मैं यहां लिखता हूं, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ, इसके बारे में सिखाने जा रहा हूं। टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ऊपर वाले की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक, इस कंसेप्ट को लगाते हुए अगर हम एक बात देखें कि इस कॉन्फिगरेशन से पहले एक इनर्ट गैस आता है, ठीक, तो अगर पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे तो वो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन पाकर बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इससे डायरेक्टली एक बात चल रही है पता, कि सर ये तीन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये सारे के सारे इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करके स्टेबल हो जाएंगे, सारी कहानी स्टेबिलिटी को लेकर ही है। ये दो अगर चार इलेक्ट्रॉन निकाल देता जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन, और ये तीन और दो पांच इलेक्ट्रॉन, तो जब वो तीन इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो प्लस थ्री आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ये चार इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो प्लस चार आ जाएगा, पांच इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो प्लस पांच आ जाएगा। ओके, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगली बात, ऊपर वाले के इस इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है या नीचे वाले के इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है, मतलब आप बोरॉन के लिए एनर्जी लगाओगे और थेलियम के लिए एनर्जी लगाओगे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो क्या होगा, मतलब जब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो इसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी और इसके लिए कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि तो छोटा साइज का और ये कैसा बड़े साइज का। अगली बात ये, अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपना तो ये NH2 कॉन्फिगरेशन अटेन कर सकता है, ये भी NH2 कॉन्फिगरेशन अटेन कर सकता है, ये भी NH2 कॉन्फिगरेशन अटेन कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल कर करेगा और तीन इलेक्ट्रॉन निकाल कर करेगा। ओके, तो स्टेबिलिटी यहां पर भी आती है, बट हुआ क्या, जब बोरॉन के इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही थी तो
इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा और टफ था। मतलब मैं आपको एक बात सिखाता हूं, किसी दो दो इंसान है, ठीक है, दो इंसान है, एक इंसान पहले से बहुत मेहनत कर रहा हो, बहुत सारा काम कर रहा हो, और अगर आप उसको थोड़ा सा और काम करने के लिए कह दो तो वो काम कर जाएगा। बट एक इंसान ऐसा जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, बहुत ही कम काम करता है, और अगर आप उसको एकदम जितना उसको काम दिया था एक दिन, उसी में अगर आपने उसको भी एक दिन काम दे दिया तो काम नहीं कर पाएगा। मतलब ये दो इंसान है, एक से लेकर 30 तारीख तक एक इंसान क्या करता है, रोज 10-10 किलो का थैला जो है, आटे का थैला, वो नीचे से ऊपर लेकर आता है संजौली चौक तक या कहीं पर भी आप मान लो नीचे से, ठीक, ओके। दूसरा इंसान क्या करता है, रोज आता है पर 1 किलो या 2 किलो कभी कभी लेकर आता है वो, ओके। 30 दिन तक रेगुलरली दोनों काम कर रहे हैं, पहले वाले कोई दिक्कत है नहीं, पहले वाला काम करता ही करता है। अगर आपने उसको अगले महीने की 1 तारीख को बोल दिया कि भाई वो 10 किलो की जगह आप 12 किलो ले आओ, तो वो लेकर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट अगर आपने उस बंदे को काम कह दिया जो ऑलरेडी पहले 2 किलो उठाता था, और आपने बोल दिया अगले महीने की 1 तारीख को भैया तेरे को 12 किलो का सामान लाना है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से जब इसके इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा था तो पहले से एनर्जी ज्यादा लगाई जा रही थी, और थोड़ी सी और एनर्जी लगाकर इसके इलेक्ट्रॉन को भी निकाला जा सकता है, तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, ठीक। बट एट लास्ट केस में क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना इसके कंपेयर में बहुत ही ज्यादा आसान था, बहुत ही आसान था। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना था, किससे निकलना था, एस से निकलना था। इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज्यादा टफ था। मतलब आप ये सोच लीजिए, अगर इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल लग रही है, और इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 110 लग रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको लगाने की एनर्जी, ये 100 थी तो इसको मान लो 10 लग रही थी, इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी आपको 10 किलो जूल पर मोल देना पड़ा। और इसके बाद आप इसको निकालने जाओगे तो अगर मान लीजिए 110 हुआ, तो 10 से 110 का गैप कितना होगा, 100 का हो गया, और यहाँ पे क्या था, 10 का गैप था। आई थिंक सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, कि इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना हो चुका था, मतलब इसके लिए खुद इतनी एनर्जी लग रही थी, तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी निकालना थोड़ी सी और एनर्जी देकर इजी हो गया। बट इसके लिए पहले कम एनर्जी लग रही थी, और अचानक से ज्यादा एनर्जी देना नेचर के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब नेचर ऐसा काम कर ही नहीं सकता, राइट। इसलिए इसके ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हेलियम जैसा एलिमेंट अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ही खुश रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी, +1। इसी तरीके से कार्बन के बाद जो नीचे वाला एलिमेंट है लेड, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हेलियम, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लेड, तो लेड क्या करेगा, इस दो इलेक्ट्रॉन को निकालकर खुश हो जाएगा, +2। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, तो बिस्मथ भी क्या करेगा, इस 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर उसको खुश रहना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो दो कॉन्फिगरेशन आ गए, +3, +1, +4, +2, +5, +3। इसीलिए हम लोग एक बात स्टडी करते हैं, जरा ध्यान से सुनना आप लोग पढ़ते हो बेटा, बोरॉन फैमिली में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, क्योंकि लास्ट वाला +1 वाला है, तो हम पढ़ते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम क्या कर रही है, सब डिक्रीज कर रही है। बट अगर आप बात करें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की, तो वो इंक्रीज करती है, ओके। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछा जाए, देखो जरा ध्यान देखना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, मैंने इन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दिया, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियसली बोरॉन 3+, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम एंड देन थेलियम, क्योंकि थेलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख ही नहीं सकता, मतलब ये इसके साथ काम करेगा, ये इसके साथ काम करेगा, और ये इसके साथ काम करेगा, ओके। अगर मैं बात करूं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, बोरॉन पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, गैलियम पॉजिटिव, थेलियम पॉजिटिव, अब अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, तो मेरे साथ थेलियम पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं, और
इसको स्टडी करने के बाद अब मैं खूब सारे क्वेश्चन का ही डिटेल करने जा रहा हूं, ठीक है? अब हम खूब सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट? अब देखो, स्क्रीन फ्रीज, एक मिनट। हाँ जी बेटा, अब आ गया, अब आ गया बेटा। ओके ओके, तो मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। हीलियम प्लस वन में ज्यादा स्टेबल होता है, लेड प्लस टू में और बिस्मथ प्लस थ्री में, ये बात हमने सीख ली। तो अगर हमसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम के प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेगा तो हम कहेंगे साहब डाउन द ग्रुप प्लस वन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, प्लस थ्री की डिक्रीज करती है। इसका मतलब प्लस थ्री वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, तो ये वाला आ जाएगा। और अगर हमने उसी में प्लस वन लगा दिया तो प्लस वन की स्टेबिलिटी बढ़ रही नीचे जाके, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। आई थिंक सो मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कार्बन फैमिली में देखो, अगर मैं कार्बन फैमिली में क्वेश्चन की बात करूं, कार्बन फैमिली में कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है? तो क्या होगा, प्लस फोर लगा रहा हूं मैं सब में, प्लस टू लगा देता हूं, तो क्या कहोगे प्लस फोर में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली कार्बन वाले ज्यादा स्टेबल होंगे ऊपर वाले, तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर सामने बना जाएगा। और अगर हमसे प्लस टू की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो डाउन द ग्रुप प्लस टू की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो उसका ऑर्डर ये हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि प्लस फोर ऑक्सीडेशन की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या करेगी, टॉप टू बॉटम क्या करेगी, डिक्रीज स्टेबिलिटी। और अगर हम बात करेंगे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो उसकी स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या करेगी, इंक्रीज करने वाली है। रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, इसी के साथ अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली के लिए पहली बात आप क्या करोगे, नाइट्रोजन फैमिली में पहली बात आप क्या करोगे कि सर प्लस फाइव की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम क्या करने वाली, डिक्रीज। और अगर हम लोग प्लस थ्री की बात करेंगे तो प्लस थ्री की टॉप टू बॉटम जो स्टेबिलिटी वो क्या करेगी, इंक्रीज, राइट? और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साहब देखो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ, अगर मैं यहाँ पे प्लस फाइव रख दूंगा तो आप समझ जाओगे, और अगर मैं यहाँ पे प्लस थ्री रख दूंगा तब भी आप समझ जाओगे, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, इसी में आए हुए जितने भी आईआईटी और मेडिकल क्वेश्चन है उस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है? राइट, देखो देखो जी, एक पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला कि साहब जर्मेनियम, टिन एंड लेड, अगर मैं प्लस फोर लगाऊं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जर्मेनियम, टिन, लेड में हम कहेंगे प्लस फोर की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो साहब ये सबसे स्टेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड में अगर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दी जाए तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, हम साहब लेड, क्योंकि लेड प्लस टू में ज्यादा स्टेबल होता है, बात करता हूं। और अगर मुझसे पूछा जाए इसी तरीके से कि मुझे बताइए इन चारों ऑप्शन में से इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में लग रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक तो ऑर्डर और इन चारों में से किस में लग रहा है, वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है? पहला क्वेश्चन है थेलियम प्लस एंड थेलियम प्लस थ्री, उसके बाद है अपना लेड प्लस टू एंड देन लेड प्लस फोर, उसके बाद अपना जैसे बिस्मथ, बिस्मथ प्लस थ्री एंड बिस्मथ प्लस फाइव,
एंड देन उसके बाद टिन प्लस टू एंड देन टिन प्लस टू। सबसे पहली बात, इन चारों ऑप्शन में से किसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है? तो मेरे साथ देखो, थेलियम, लेड और बिस्मथ, इन तीनों में लग रहा है। तो इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तुम कहेंगे साहब प्लस वन वाला ज्यादा स्टेबल है, इसमें प्लस टू वाला, इसमें प्लस थ्री वाला, ये तुम पढ़ ही चुके हैं। बट अगर हमसे बात करें टिन टू पॉजिटिव टिन फोर पॉजिटिव की, जैसे यहां पर है, तो इसके लिए प्लस फोर ही स्टेबल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके लिए क्या होगा? प्लस फोर। इसी के लिए सिर्फ प्लस टू होता है, इसी के लिए सिर्फ प्लस वन होता है, इसी के लिए सिर्फ क्या होता है? प्लस थ्री। तुम क्या बोलेंगे सर? टिन के लिए प्लस फोर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। पूछे जाने वाला पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया, आईआईटी का ही क्वेश्चन था। आईआईटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं कि सर एल्यूमिनियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम टू पॉजिटिव और एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव में से जरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दें। तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपल से कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है, हमको अमित सर ने सिखाया हुआ है, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम कहेंगे सर एल्यूमिनियम वाले केस में दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक होता है प्लस थ्री प्लस वन, तो प्लस थ्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्लस वन। तुम कहेंगे साहब देखो, इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा प्लस थ्री तो सबसे ज्यादा है, दो तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये प्लस वन वाला प्लस थ्री वाला, उसमें से भी प्लस थ्री वाला ज्यादा स्टेबल है, बच गया कौन? प्लस टू वाला, उसको डायरेक्ट पीछे फेंको, ऑर्डर हमारा ये वाला हो जाएगा। क्लियर हो चुके हैं आज तुम सुन मेरी बात। एक और क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड यही है कि मैं इस वाले इसको रख लू, इस वाले इसी को है ना, क्वेश्चन करना वाले और इजी हो जाएगा। क्वेश्चन ये है हमारा कि मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि सर ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये है कि Pb+4 मतलब PbO2, मान लीजिए क्वेश्चन दे दें PbO2 is a good oxidizing agent, is a good oxidizing agent why? Pb+4, जैसे इसमें भी ये प्लस फोर में ही है, Pb+4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय। तो हम कहते हैं सर देखो, लेड फोर पॉजिटिव है और लेड फोर पॉजिटिव से लेड बनना क्या चाहेगा? अगर मान लो लेड फोर पॉजिटिव को कोई कंपाउंड आपने बना भी दिया तो वो इतना रिएक्टिव होगा कि वो डायरेक्टली क्या बना चाहेगा? लेड टू पॉजिटिव, ये बना चाहेगा। तो अगली बात क्या हुई कि लेड फोर से जा रहा है टू के अंदर, मतलब अपनी कर रहा है रिडक्शन, तो सामने वाले की क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, फोर पॉजिटिव से टू पॉजिटिव गया, ये तुमने बचपन में कहानी पढ़ी हुई है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। अगर उसकी रिडक्शन हो रही है, इसके सामने कोई कंपाउंड पड़ा होगा तो उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, तो इसलिए वो कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसी तरीके से अगर मैं इसको पूछ दे सर बिस्मथ प्लस फाइव है, या बिस्मथ का कोई भी कंपाउंड है जो बिस्मथ प्लस फाइव रखता हो, तो वो कैसा काम करने वाला है? तो हम कहेंगे साहब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों? क्योंकि प्लस फाइव से डायरेक्टली क्या बनना चाहता है वो? प्लस थ्री, तुरंत बनना चाहेगा, तो अपनी करवा रहा है रिडक्शन, तो सामने की करवाएगा ऑक्सीडेशन, तो ये कैसा काम, कैसा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, थेलियम अगर प्लस थ्री में पड़ा हुआ है तो क्या बनना चाहेगा? थेलियम प्लस वन, थेलियम प्लस थ्री से क्या बनना चाहेगा? प्लस वन, प्लस थ्री से प्लस वन गया रिडक्शन, सामने वाले करवाएगा ऑक्सीडेशन, तो खुद कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी और ये भी और ये वाला, ये तीनों के तीनों गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कम से कम 50,000 क्वेश्चन आ चुका है और खूब सारे पेपर्स को मिलाकर। ठीक, एक क्वेश्चन और है आप लोग के लिए, एक क्वेश्चन और है आप लोग के लिए, वो ये है कि
टिन प्लस टू एक्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. वाई एसएन टू पॉजिटिव इज मतलब एक्टिंग एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. वाई हमने कहा सर देखो सिंपल सी बात है, तो टिन प्लस टू है और टिन रहता किसमें स्टेबल है प्लस फोर में, यही सब अकेला प्लस टू में रहता है, ये किसमें रहेगा प्लस फोर में, तो प्लस टू से डायरेक्टली किसमें बना जाएगा प्लस फोर में. टू से फोर पर गया ऑक्सीडेशन, तो सामने की करवाएगा रिडक्शन, तो ये कैसा काम करेगा गुड रिड्यूसिंग एजेंट. मतलब ये एजेंट सामने वाले पे डिपेंड करते हैं, जैसे मान लो मैं अपनी करवा रहा हूं ऑक्सीडेशन तो सामने की करवाऊंगा रिडक्शन, तो मैं कैसा कहलाऊंगा कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है. ओके अब मैं अगर मान लो इधर हूं और अगर मेरी ये मेरी हो रही है अपना रिडक्शन, मतलब तो मैं कर चुका था ना, अगर मेरी हो रही है सब ऑक्सीडेशन सामने वाले करा रिडक्शन तो मैं कैसा हो जाऊंगा रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर मैं अपनी करवाऊंगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मेरे कैसे बात समझ में आ गई होगी. ये बात बोल के शायद मैंने कंफ्यूज ना कर दिया आपको. प्लस फोर से प्लस टू गया, प्लस थ्री से प्लस वन गया, प्लस फाइव से प्लस थ्री गया, कम हो रहा है मतलब रिडक्शन, सामने वाले करवाएगा ऑक्सीडाइज, तो ये कैसा काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. प्लस टू से प्लस फोर गया मतलब हुई इसकी ऑक्सीडेशन, तो सामने वाले पे क्या करेगा रिडक्शन, तो ये कैसा काम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. और यहां पर आकर हमारा दो टॉपिक कवर होते हैं. मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैंने आपको ये डेमो की तरह नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको प्रॉपर ये क्लास की तरह ही पढ़ा दी है. अभी तक हमारे ये जो 500 बच्चे क्लास ले रहे होते हैं, अगर आप किसी बच्चे से कॉन्टेक्ट करके बात पूछोगे कि अमित सर ने आपको पी ब्लॉक के अंदर क्या पढ़ाया था, तो अभी तक जो भी आपको मैंने पढ़ाया सब कुछ उनको वही पढ़ाया. डेमो में आपको इंप्रेस नहीं करना चाहता, ठीक. मतलब मेरा ये कहने का है कि हम लोग जल्द से जल्द अपनी क्लासेस स्टार्ट करें और जल्द से जल्द अपना सिलेबस खत्म करें, क्योंकि ये साल सभी के लिए अजीब है, ठीक है, ये सभी लोग मानते ही हैं, और सारी की सारी जिम्मेदारी आप लोगों पे ही है. मैं आपको बता रहा तो सभी टीचर अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत मेहनत दिखानी होगी. आप थोड़ी भी करेंगे तब भी वो बहुत हो जाएगा, ठीक है. आप एक काम करें, आप 5 मिनट के लिए आप लोग रेस्ट वगैरह कर लें, ठीक है. 5 मिनट में आपकी बायो की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. पानी वगैरह पी लें, चाय वगैरह पी लें, और ज्यादातर कोशिश करना अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप अपने उस लैपटॉप से क्लासेस देना शुरू करें एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है. एक सेकेंड,